के घर में मेरे मकान मालिक ने नया घर बनवा दिया है, तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मकान मालिक अंकल जी आ चुके हैं जो कि हमारा रूम वगैरह सब सही कराएंगे, मतलब हमारा घर बनेगा। तो चलिए, हमारा ये जो घर है कितना ज़्यादा फिट रखा है, देखिए आप लोग इधर और इधर साइड। तो आज फाइनली हमारे ड्रामेबाज कहीं का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए घर की कंडीशन कैसी है, देख रहे हो आप लोग, ये देखो। देख लीजिए आप लोग बैकग्राउंड कितना प्यारा था, सब कुछ इधर इधर सारा सेट वेट वगैरह करवा दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे छेद होने की वजह से कीड़े मकोड़े सांप बहुत आते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स आज मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा धूप से बता नहीं सकते हैं, 10 अभी नहीं बजा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अप्रीत को देख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा इधर लेके आ रहा, दिखा दूँ ये देखिए फ्रेंड कैसे यहाँ पे कैसे अपने पहियों को गंदा में डालते हैं, आपको जो वॉकर भी धोना पड़ेगा। और ये देखिए अभी यहाँ इतना सारा बर्तन वगैरह ये है, और ये देखिए इतनी सारी ये कपड़े हैं, ये सारा कपड़ा रपरी का है, वो मेरा धोना है। अभी पानी आ रहा, लेकिन टाइम ओवर हो गया, लेकिन पानी अभी भी आ रहा है, टाइम ओवर के बाद भी। चलिए फ्रेंड, भगवान की कृपा से मैं अपने कपड़े और बर्तन धो लूँगी। और रपरी तो देख लीजिए धूप में, इसको बहुत मज़ा आता है धूप में, देख लीजिए। अभी चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, बर्तन मांगते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी वानी वगैरह बोतल में भरते हैं, हमारा बोतल दो ही बोतल खाली, दो ही तीन हो गया, तीन बोतल खाली से सब भर के धोते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब अभी देखिए कपड़े धो रही, इसे देख लीजिए क्या करना, देख रही है यहाँ पर, अब पानी में छोड़ दूंगा ना फिर, अभी पानी भी फैलेगा, ये पता है सारे कपड़े धोना है, लेकिन सबको एकदम नाश नाश कर रखा है, बच्चा बहुत खराब है। अभी देखिएगा फिर हाँ लग गया लग गया लग गया चोट लग गया, लेकिन ये पानी के चक्कर में ना सिस्टर थोड़ा इधर से बना दो, देख रहे हो फ्रेंड। ओ ये देखिए कैसे कलर लगाया, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए पैरों में, देखिए देख रहे हो आप लोग, तो पैसा ऊपर में तो बहुत मजा आता है पानी में, बहुत ही ज्यादा बहुत खराब है, हमेशा मतलब इसी तरह परेशान करता है, ऐसा बच्चा है, एक काम को 10 बार करवाता है मेरे से एक ही काम। अभी मैं काम करती हूँ, फुर्सत होगी कोई और दूसरा काम नहीं रहता ही नहीं, वो कर लेके कभी घर भागेगा, कभी गेट से बाहर भागेगा, ऐसा है। तेज नींद लगी है, लेकिन पता है सो नहीं रहा है, इसको लोरियां सुनाए, चंदनिया छुप जाना रे घर को रुक जाना रे, नींद आँखों में आई बिटिया मेरी सो जाए। ये मेरी भी कैसे हो गए, सुनन बाबू मम्मा नहा ले खाना बना ले तेरे लिए, हाँ कहते बोलिए सुन सो जा बेटू, नहा ले ना हनु करके निन्नी निन्नी कर ले, खूब सारी निन्नी कर, आजा निन्नी आजा बाबू को सुला जा, आजा निन्नी आजा रबरी को सुला जा, देख रहे हैं हंस कैसे रहा, देख रहे सोना ए सोना सो जा, मम्मा जा रही है अब काम कर, सो जा ड्रामेबाज कहीं का। सोएगा नहीं तू, रुको अभी तेरी पिटाई करती हूँ, सोएगा नहीं, नहीं सोएगा, हाँ सोएगा नहीं तू, नहीं सोएगा, पहले सोएगा नहीं, तू तो ऐसे मुंह तोड़ दे, दिखा चूहे वाली दांत दिखा अपने, इसके ना बाद में गुड न्यूज देंगे आप लोगों को, इसके थोड़े थोड़े ऐसा लग रहा दांत निकलता है गलती हो गई। चलिए मिलते हैं, हम दोनों धूप में इतने तीन चार दिनों से मैं वीडियो इसलिए रोक दी, अच्छा लगता आंटी हम लोग बैठी होती तो अजीब लगता है,
मैं जा रही थी बाल्टी फैलाने, इसलिए अभी भी जा रही हूँ। पानी का थोड़ा इश्यू सा हो रहा है ना, इसलिए चलिए अभी देखते मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं फ्रेंड्स। चलिए डोकलू राम आराम से मुंह बंद करके चलता है। बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। चलिए फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब। तो आप सभी को पता था फ्रेंड्स कि हमारा ये जो घर है कितना ज़्यादा फिल्ट रखा है, देखिए आप लोग इधर और इधर साइड। तो आज फाइनली हमारे मकान मालिक अंकल जी आ चुके हैं, जो कि हमारा रूम वूम वगैरह सब सही कराएंगे, मतलब हमारा घर बनेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए, प्यार आशीर्वाद। मैंने सारा सामान वगैरह सब साइड में कर दिया, सब कुछ साइड में कर दिया, और ये थोड़ा सा निकल निकल सा रहा था इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए, देखते हैं उनका घर अब बनने वाला है फाइनली। तो आप लोग देख रहे थे पूरा टूटा हुआ था, इधर भी टूटा हुआ था, तो फाइनली आज मेरे सपनों का घर बनने वाला है। ये सारा जो टूटा हुआ है, मेरे मकान मालिक अंकल जी आ चुके हैं, वो सब इसको सही करवाएंगे। मैंने सारा सामान वगैरह हटा दिया है। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, सेट वेट सब बनता बनता है, सब सही होता है, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। इधर देखिए सामान, ये देखिए मैंने इधर रख दिया, ये इधर मेरा किचन, इधर सारे बर्तन वगैरह रखे हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए, क्या होता है फिर आप लोगों को अपडेट मैं देती रहूँगी। अपनी पूरे से ला चाहिए अभी फ्रेंड्स, फाइनली हमारे यहाँ जो वो था पूरा होल सा था, उसे साफ के लिए आ सकते, सारा बंद करवा दिया अंकल जी ने। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी था, उस साइड कोने में था वो भी, ए इसे देखिए पहुँचने की कोशिश कर गैस, और इधर भी था, ये सारा कुछ सेट कर दिए दोनों ही साइड का। तभी फाइनली हमारे जो सपनों का घर था वो एकदम अच्छे से पूरा रेडी हो गया, बहुत सुंदर हो गया। अभी एक सारा सामान वगैरह फैला है। चलिए फ्रेंड्स, को सबको सेट वगैरह भी था, ये भी सेट हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पता पूरा हालत ख़राब हो रहा है, तो अभी मैंने इधर ना सारा सामान सेट कर दिया, ये देख लीजिए, और अभी मैं अपने इधर बेड भी सेट कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए। फाइनली हमारा घर सेटअप, कीड़े मकोड़े सांप की टेंशन थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा तो इशू है गेट के पास आने की, लेकिन मैं अगर बोल देती ना तो लगा देते तो कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दम से बहुत अच्छे से पूरा सेट कर दिया और अच्छा हो गया। दीवार बहुत सुंदर लग रहा है, तो अभी मैं अपना बेड सेट कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए आप लोग, बस कुछ नहीं चाहिए आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से, अभी खुशी हूँ। अभी फटाफट बेड को सेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर। तो अभी फाइनली फ्रेंड मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, इतनी हालत खराब, इतना पूरी बॉडी गंदी हो गई थी बताने से, तो पूरा धूल मिट्टी से। तो अभी देख लीजिए इधर सारा सामान वगैरह रखा हुआ, इधर सब सेट हो गया, यहाँ भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया। रवप्रीत को भी नहला दिया, रवप्रीत ने भी नहाया, पूरी एकदम कंडीशन इतनी ख़राब, थक गई मैं कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, सच्ची दिल से बताऊँ बहुत हालत ख़राब। अब जा रही हूँ आराम से, थोड़ा लेटूंगी, उसके बाद जो भी खाना तो खाना वगैरह कुछ भी बनाना हो वो मैं सब करूँगी, क्योंकि फिर बहुत पीछे ही छिपता है, देख रहे क्या करें। तो अभी सब कुछ करूँगी फिर, क्योंकि इतनी ज़्यादा काम वगैरह जो भी सब कुछ करूँगी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। गर्मी, ओ माय गॉड, गर्मी का तो कोई भी जवाब नहीं, इतनी हाई टेम्परेचर चल रही है, सच्ची बताऊँ तो। तो फ्रेंड जो भी मैंने ना सामान वगैरह लाया है, हाँ वो हमारी नेक्स्ट व्लॉग कभी भी आ सकती है, देख लीजिएगा। तो सारा काम वगैरह हो गया, हालत मन तो कर रहा है मैं सो जाऊँ ऐसे सर घुमा, सो फिर उठे मैं, लेकिन अभी मैं कहीं जाने वाली भी हूँ, थक तो गई हूँ लेकिन आए रही दाँत का बहुत दाँत रहता है। हाँ तो अभी जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ लंगर खाने, मैंने सोचा अगर मन करेगा चली जाऊँगी। वो सिस्टर को मैंने बोल रखा है कि जाना तो मुझे बुला देना, अगर वो जाएगी तो बुलाएगी तो चली जाऊँगी, अगर नहीं बुलाने आएगी फिर नहीं जाऊँगी मैं, अगर वो बुलाने आ गई तो फिर चली जाऊँगी, नहीं बुलाने आएगी फिर नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी बोलने। एक बार मैंने बोला था उसे मुझे जाना है, आ जाना, हाँ मेरे शाना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, अभी लंगर खाने जाते ही नहीं, वो आप लोग को अपडेट। पहले तो आप लोग ये कमेंट करके बताओ, ये लिपस्टिक के कलर मेरे पे सही लग रही है या नहीं लग रही, थोड़ा सा मेकअप और हो तो अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं लेके आई थी
मेरा बहुत मन था कि मैं मेहरून कलर में लिपस्टिक लगाने का, तो लेके आई थी मैट लिपस्टिक है वो वाली, ये मैट है सीधा मुंह में भरने लगता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे फेस पे लिपस्टिक अच्छी लग रही है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही ना। चलिए फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताना। जी फ्रेंड्स, मेरे सपनों के घर में मेरे मकान मालिक ने नया घर बनवा दिया है, तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए अपने नए नए घर में कैसे कैसे खुशी खुशी से रहेंगे। हाँ फ्रेंड्स, बहुत खुशी खुशी से, मेरा चेहरा देखिए खुशी के मारे एकदम मैं कॉली कॉली सी हो गई हूँ। और अब फिर बेटा मेरा इधर सो रहा है, देख लीजिए। तो फाइनली मेरे सपनों के घर में मेरे मकान मालिक ने नया घर बनवा दिया, देख लीजिए आप लोग बैकग्राउंड कितना प्यारा था, सब कुछ इधर उधर सारा सेट वेट वगैरह करवा दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे छेद होने की वजह से कीड़े मकोड़े सांप बहुत आते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है, तो बहुत खुशी की बात है। तो अभी फिर नाइट हो चुका है और मेरे दांत में कुछ ज़्यादा ही पेन है, बहुत ही पूरा एकदम से इतना पेन है कि मैं सच बताऊँ तो मैंने खाना नहीं बनाई। ये सुबह की रोटी रखी हुई है, ये देख लीजिए आप लोग मानोगे नहीं फ्रेंड, तो कैमरे के पास ये देखो आप लोग रोटी देख लो, ये ऐसे कैसे रखी है। इधर मैंने वो दाल की नहीं होती चटनी मूंग की दाल की, प्याज वगैरह डाल के मैंने वो बनाई, मैंने नहीं खाया फ्रेंड, दिल से बताऊँ मैंने नहीं खाया। रोटी तो खाई, मन था रोटी खाने का, सुबह से मैंने बनाया अभी तक मैंने, मेरा मन था दूध और रोटी खाने का, लेकिन नहीं खाया फ्रेंड्स, क्या करूं, परेशानी दिक्कत तो हर जगह होती है बस इसी कारण। और मकान मालिक अंकल ने जो ये करवाया था ये, तो बोले हैं कि मॉर्निंग टाइम में उठ के थोड़ा पानी वगैरह छिड़क देना, पीछे बाहर साइड से भी किया। और अभी यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, सारा सामान वगैरह मैंने पहले के जैसे ही सेट कर दिया, सब कुछ अच्छे से इधर मैंने सेट कर दिया, देख लीजिए आप लोग सब अच्छे से मैंने सेट कर दिया, मतलब कुछ टेंशन की बात नहीं है, बस ये कि अब। और यहाँ पर थोड़ा सा खेत सा था, यहाँ से छिपकली वगैरह आती थी, मैंने कपड़ा लगा रखा था, तभी मैंने इसको भी बंद कर दिया। और मेरा बेटा रखी के देखिए सो गया है, अभी ये सो गया, अब मैं भी जा रही हूँ सो जाऊँगी, काम ही मैं भी जा रही हूँ सो ही जाऊँगी, कोई काम ही नहीं, क्या करना है। 11:11 बज गया, बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बहुत अजीब लगता है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, अगर रोटी वगैरह कुछ खाऊंगी, मन कर रहा था थोड़ा चटनी या रोटी खा लूँ, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा चटनी वगैरह कुछ बना लेंगे खा लेंगे, लेकिन रखा हुआ मन, कभी मन करता खा लूँ कभी मन करता ना खाऊं। चलिए फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। बेटा क्या हो गया, क्यों रोला तू, देख मच्छरदानी देखे क्या कर रखा है। ये कह रहा मेरे को सोने के लिए, जब तक मैं इसके चेस्ट में जब पैदा हुआ था ना, तो मेरे गोद में ऐसे करके, फ्रेंड ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ऐसे करके गोद बनाती थी, यहाँ पे दोनों तरफ से तक्के लगा थे, ऐसे दीवार में टेक लगा के बैठती थी, तब सोता था। आ जाए गोद ले ली फ्रेंड। और अब है कि जब तक सीने से नहीं लगता तब तक नहीं सोता है। ओ मम्मा गिली गिली, हर प्रॉब्लम है इसको हर तरफ से, पहले गोद जैसे मैंने दिखाया ऐसे बनाती थी दोनों तरफ लगा के, ऐसे करके टेक लगा के पूरी रात, कैसे मैं 2-3 महीने तक का इस तरीके से मैं सोई, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, ना कोई करने वाला ना कोई देखने वाला, बिना परिवार के थी, बहुत हालत ख़राब थी उस टाइम तो मेरी फ्रेंड, ऐसी मेरी कंडीशन थी ना, मैं और मेरा दिल ही जानता है, उस टाइम कोई देखने वाला नहीं था। तब मैंने इसको ऐसे ऐसे कैसे कैसे करके मैंने अपने बच्चे को पाला, मैं ही जानती हूँ। और अब क्या, जब तक सीने से नहीं लगेगा तब तक नहीं सोएगा, अब इसके साथ ये घुमाता ही रहेगा। अभी तो इसको खिला वला दिया है फ्रेंड, मैंने तो नहीं खाया, मेरा दांत में भी दर्द है, इसको खिला दिया। और दूसरी बात क्या बोलते हैं फ्रेंड, अब क्या खिलाए मैं ये नहीं बताने वाली, बस मैंने खिला दिया। पता है क्या फ्रेंड, रप्रीत को वीडियो वगैरह मैं नहीं खिलाती पिलाती हूँ ज़्यादा, फिर अच्छा नहीं लगता ना, हर चीज़ दिखाओ ही फिर अजीब भी लगता है। अब आप लोग मुझसे प्यार करने वाले हैं और पता नहीं कौन कौन आके क्या करे, पता नहीं, आप लोग तो प्यार करते हो और आज तक आपने हम मेरे बच्चे के लिए हमेशा प्यार आशीर्वाद ही दिया है फ्रेंड, आप लोगों ने बस ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए, बस आप लोगों की दुआ से हमेशा मेरा बेटा सही सलामत रहेगा, बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है और कुछ नहीं, दुआ और
एक साथ का ज़रूरत है और कुछ नीचे। चलिए फिर हम वीडियो को एंड कर देते हैं, और बहुत परेशान भी हूँ मैं, सच बताऊँ तो नींद भी पूरा एकदम से ऐसे हो रहा है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rapreetpriya7270, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड फिर सोते हैं, क्योंकि रपरीत का तो कुल्लू मुल्लू कल ता लेगा मेरा बेटा, मेरे सोना बेटा है ना ये। पहले मैंने आपको बताया फ्रेंड ऐसे ही ऐसे टेक लगा के इतना भी नहीं लेटती थी, इतना ज़्यादा हो गया, हाँ ऐसे करके इतना होता था, फिर ऐसे करके गोद बना के फिर इसको सुलाती थी। आइए देखो कैसे लेट रखा है, देख रहे फ्रेंड ये देखो कैसे मेरे पैरों पे लेट रखा है, ऐसे सोता एक टांग पे मेरे ऐसे करके, देखिए कैसे करके, ये देखिए फिर एक पैर पे मेरे ऐसे करके रख रखा है, ऐसे करके लेट रखा है, ऐसे सोते मैं लपेटा मम्मा के चेस्ट पे आके। धड़कन सुनता मम्मा का, हाँ मम्मा की धड़कन चल रही है, चल रही है। चलिए फ्रेंड सभी को बाय बाय, ये सब चलता ले गए यहाँ पे तो सब कुछ चलता ले गए ऐसे ही, बस आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, देखिए इसको सोना पा। चलिए फ्रेंड गुड नाइट, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे आप लोगों सभी को, बाय बाय। जुमाई मैारा, चलिए फ्रेंड बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, फिर मिलेंगे चलते चलते, ओके बाय बाय।